नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति इंडिया के इस नए प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम चाणक्य नीति के 9वें अध्याय की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, को यह सलाह नहीं दी कि वह स्वर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें और राजा को लंबी आयु प्रदान करें। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दें यदि ये सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजांची। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो तो ऐसे भुजंगों के समान हैं जो डंक नहीं मार सकते। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है वो ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहां यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी मां को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें, गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि चाणक्य की ये नीतियां आपको अपने जीवन को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। इसी तरह के अच्छे अच्छे ज्ञान भरे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।